हेलो ऑल माय लवली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेरे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपने बोगनवेलिया के प्लांट्स को और उनके कटिंग्स को शेयर करती हूँ। फ्रेंड, जिन प्लांट को मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था और उसकी वजह क्या थी, साथ ही मैंने जो कटिंग्स ग्रो किए हैं वो कैसे ग्रो हुए हैं, उसका रिजल्ट क्या है, ये सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो प्लांट्स जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि ये बहुत लेगी से हो गए थे, इनमें फ्लावरिंग खत्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये सही वक्त है, अब प्लांट को मैं थोड़ा सा छांट कर छोटा कर देती हूँ और न्यू ब्रांच कर ग्रो करने का मौका देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने कुछ प्लांट्स को हार्ड प्रूनिंग किया है और कुछ ब्रांचेस को मैंने नया ग्रो भी किया है। तो फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग की एक वजह तो ये है कि इसके लेगी ब्रांचेस को हटा देना, इसमें फिर से फ्रेश और अच्छे ब्रांचेस आने देना, स्ट्रॉन्ग ब्रांच को निकलने देना। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बॉन्साई बनाने का भी आप सोच के रखे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा वक्त है हार्ड प्रूनिंग कर, अब आप इसको बॉन्साई का रूप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह का प्लानिंग मेरा भी है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप फ्रेंड्स कटिंग से ग्रो कर रहे हैं प्लांट को, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बोगनवेलिया के जो मैंने ये प्लांट को प्रून किया है, हार्ड प्रूनिंग किया है, तो इनके सारे कटिंग्स को मैंने फेंके नहीं है, कुछ कटिंग को मैंने फिर से न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए उनके कटिंग को लगाया है। और ये देखिए, मेरे हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब इन प्लांट्स में कितने अच्छे नए पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है, नए ब्रांचेस निकलने लगे हैं और ये फिर से नई ग्रोथ के साथ इसमें नई पत्तियां आ जाएंगी और पौधा बिल्कुल फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनके कटिंग्स को सारे को ना फेंके, अगर आप चाहे तो इसमें से कुछ को आप दोबारा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो कुछ नए कलर्स को ऐड करने के लिए उनके कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं अपने बगीचे में। तो चलिए उसके लिए भी थोड़ी सी टिप्स, थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं। कटिंग को ज़्यादा मत हिलाइए, जब आप कटिंग को लगाते हैं तो उसे ज़्यादा मत हिलाइए, और कटिंग को जब आप चूज़ करें लगाने के लिए तो कोशिश करें कि वो कम से कम एक पेंसिल के साइज़ की थोड़ी सी मोटी कटिंग हो तो अच्छा होता है। हालांकि बोगनवेलिया की कोई सी भी कटिंग, पतली हो या मोटी हो, वो आराम से लग जाती है, आराम से ग्रो कर जाती है, बशर्ते कि वो बरसात का मौसम हो, तब तो और अच्छा है, अदरवाइज़ थोड़ी सी रूटिंग हार्मोन को आप यूज़ कर आराम से ग्रो कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। कटिंग को लगाने के बाद उसमें से जड़ डेवलप करने में अच्छे तरीके से लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं, तब तक आप कटिंग को बिल्कुल भी ना हिलाएं। लीव्स पहले निकल कर आ जाते हैं, जड़ें थोड़ी लेट से निकलती है। जब आप कटिंग को लगाएं, उसके ब्रांच को लगाएं, तब आप कोशिश करें कि उसके निचले हिस्से को हमेशा 45 डिग्री से काट दें, इससे बहुत अच्छे से प्लांट में रूट्स निकलने शुरू होंगे, बरसात के सीज़न में आसानी से ग्रो कर जाएंगे। दूसरे सीज़नों में आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कहें कि घर में बने ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन के बारे में, तो आप दालचीनी के पाउडर के घोल में उसे डुबाकर लगा सकते हैं। अगर कटिंग मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो गार्डन सॉइल में सैंड की मात्रा को ज़्यादा कर दें, ताकि सॉइल हल्की बने और पानी जल्दी ड्रेन हो जाए। तो ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग को यहाँ ग्रो किया है और उसमें भी कितने अच्छे से नए लीव्स निकल के आए हैं, और कुछ में तो फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है। थोड़ी मोटी ब्रांच कटिंग के लिए अच्छी होती है फ्रेंड, और मोटी कटिंग बोनसाई के लिए परफेक्ट होती है। अगर आप बोनसाई बोगनवेलिया प्लांट को मार्केट से ख़रीदने जाएंगे फ्रेंड, तो वो लगभग 1000 की आपको पड़ जाएगी नर्सरी में। और अगर आप थोड़े से मोटे ब्रांच को लगाकर आप उसमें से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तो वो आपको इजीली यूं ही मिल जाएगी घर में। और फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं प्लांट से, तो रखें थोड़ी सी कुछ टिप्स का ख्याल। तो वाटरिंग आप शावरिंग देकर करें, एक बार ही करें तो अच्छे से कर दें रेगुलर, और ज़्यादा वाटरिंग की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा वाटरिंग से भी प्लांट में फ्लावर्स नहीं आएंगे। फर्टिलाइज़र साल में एक बार आप काउडंग मैन्योर के साथ पॉटिंग सॉइल को तैयार करके जब लगाते हैं उस समय दे दें, और इसके अलावा अधिक फ्लावरिंग के लिए आप NPK 2020 को यूज़ कर सकते हैं, या बनाना पील फर्टिलाइज़र को यूज़ करिए।
प्रूनिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है अच्छी फ्लावरिंग पाने का, क्योंकि नए ब्रांच निकलेंगे, फ्लावरिंग अच्छी होगी। और फ्रेंड्स, जो सबसे ज़रूरी बात है, इस प्लांट को पूरे सनलाइट में रखते अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो, क्योंकि अच्छे सनलाइट से बहुत अच्छी फ्लावरिंग का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बोगनवेलिया के प्लांट को आप सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ जो आपके लिए यूज़फुल हो, और जो मेरा खुद का आजमाया हुआ हो अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जाते हुए एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स की, अगर आप मेरे बोगनवेलिया के हार्ड प्रूनिंग और रिपोटिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ 289 नंबर के वीडियो में विज़िट कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं।